हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अग्रावत चैनल में आपका स्वागत है। एम्पलीफायर में मोस्टली एक फॉल्ट आता है, वो ओवरलोड का। तो ये ओवरलोड का फॉल्ट कैसे आता है, क्यों आता है और कैसे अपन इसे रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। और इसमें आपको हम बताएंगे कौन कौन से इसमें फॉल्ट आते हैं, तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये ओवरलोड का येलो एलईडी ग्लो हो रहा है इसमें, तो ये जोन ए में ओवरलोड दिखा रहा है और जोन बी में नहीं दिखा रहा, इसमें नहीं दिखा रहा है, जोन ए में दिखा रहा है। तो जोन ए में ओवरलोड का फॉल्ट बना हुआ है। तो मोस्टली ये फॉल्ट ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर के काफ़ी हीट होने की वजह से भी आता है, और इसमें जो आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे तब भी ये फॉल्ट आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये जोन ए में फॉल्ट बना हुआ है, तो जोन ए को हम देखिए, ये लेफ्ट साइड में जोन ए के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इस साइड में चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो सिंपली हमें इनको चेक करना होगा वन बाय वन। और एक फॉल्ट ये इसमें रेक्टिफायर जो लगे होते हैं उनकी वजह से भी आता है, अगर रेक्टिफायर ख़राब होगा तब भी ये फॉल्ट देखने को मिलता है। तो ये दो रेक्टिफायर यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग जोन के, तो ये जोन ए के लिए और ये जोन बी के लिए। तो मैंने इनको चेक किया है, तो रेक्टिफायर सही अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी ये ओवरलोड दिखा रहा है। तो चलिए अब ट्रांजिस्टर को अपन चेक करेंगे और देखेंगे ट्रांजिस्टर ख़राब है या कुछ और। तो ट्रांजिस्टर के देखिए, इसमें चार ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं आउटपुट सेक्शन में। ये 400 वाट का एम्पलीफायर आहुजा कंपनी का है, तो इसमें चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो चारों ट्रांजिस्टर को वन बाय वन चेक करेंगे, दो ये यहाँ पर और दो इस साइड में यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो हम इन्हें चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले अपन इनके बेस और अमीटर पे जो वायर लग कनेक्ट है उनको ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो देखिए, इन वायर को मैं बेस और अमीटर पे जो वायर हैं उनको हटा करके डिसकनेक्ट करके फिर मल्टीमीटर से अपन चेक करेंगे। तो ये फॉल्ट काफ़ी हीट होने की वजह से भी ओवरलोड दिखाता है एम्पलीफायर, और फिर जब ये ठंडा होगा, ट्रांजिस्टर इसके ठंडे हो जाएंगे तब भी वापस से काम करने लग जाता है। कई बार अधिक हीट होकर भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो ये एमीटर के लिए जो ये वायर है इसको हटा दिया और बेस वाला भी हटा दिया मैंने। अब इस ट्रांजिस्टर को अपन चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर, चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तब भी ये फॉल्ट दिखाएगा, और इनमें से एक दो या तीन या चारों ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे तब भी ये फॉल्ट दिखाता है। तो इसे चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो ये ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है, बेस टू एमिटर और बेस टू कलेक्टर ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है। तो नॉब मल्टीमीटर की चेंज करने के बाद भी ये ट्रांजिस्टर सही है। तो इसमें एक दो या तीनों या चार ट्रांजिस्टर ख़राब होने पर ये फॉल्ट आता है, ये ट्रांजिस्टर तो सही है। इस प्रकार हमें वन बाय वन चारों ट्रांजिस्टर को, इनके वायर को हटा करके चेक करना होता है। तो मैंने सभी ट्रांजिस्टर को वन बाय वन चेक किए, या फिर ओवरलोड की प्रॉब्लम तब भी आती है जब हम इस पर
लोड ज़्यादा देंगे तब भी ओवरलोड दिखाता है। अब इस ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर मल्टीमीटर की प्रोब चेंज करके भी देख लेते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर देखिए शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है ये, तो हम इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे और नया लगाएंगे। ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसकी जगह पर नया ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर सिंपली, इसमें ट्रांजिस्टर 30-55 लगे होते हैं और इस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर के नंबर हम देखेंगे कौन से हैं। इस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर के नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो पहले अपन इसे चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या नहीं। फिर से देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे लगा के टेस्ट किया इसे, तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है और इस साइड से भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। तो ट्रांजिस्टर को हमें चेंज करना होगा, सभी ट्रांजिस्टर को बारी बारी से चेक करना होगा। तो इसके नंबर आप देखिए, इस ट्रांजिस्टर के नंबर है 213773, तो इसी नंबर का ये ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर है, तो इसे भी पहले अपन चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद फिर से लगाएंगे। ये ट्रांजिस्टर सही है और अल्टीमेटली प्रोब चेंज करने के बाद भी सही दिखा रहा है, ये तो ट्रांजिस्टर सही है। अभी हम इसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर चारों ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट बना रहता है, तो हमें ड्राइवर बोर्ड के ट्रांजिस्टर को भी चेक करना होता है, उससे भी ये फॉल्ट आता है। और मैंने अभी ट्रांजिस्टर को लगा दिया है और सभी ट्रांजिस्टर के वायर जो मैंने बेस एमिटर के जो हटाए थे उनको फिर से वापस लगा देता हूँ, और लगाने के बाद फिर अपन सप्लाई देके ऑन करके देखेंगे। ये फ्रेंड्स, ये फॉल्ट एम्पलीफायर में मोस्टली आता है, बार बार आता रहता है। और ये वायर हमें एमिटर और बेस के ही हटाने चाहिए, कलेक्टर के वायर नहीं हटाने चाहिए। और आप देख रहे हैं ये रेड वाली रेजिस्टेंस, यहाँ पे चार रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये एमिटर को ग्राउंड के एमिटर को ग्राउंड के लिए लगी है। और ये येलो वाला वायर बेस का वायर है, तो मैंने सब वायर वापस फिर से लगा दिए हैं। अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं, ये चारों ट्रांजिस्टर के अच्छे से हमें देख लेना चाहिए। और इन चारों ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद ही ये ड्राइवर बोर्ड है, आप देख रहे हैं ये ड्राइवर बोर्ड है, तो इस ड्राइवर बोर्ड में भी ट्रांजिस्टर होते हैं 4007 नंबर के, तो उनको भी चेक करना ज़रूरी होता है।
उनकी वजह से भी ये फॉल्ट आता है। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे सप्लाई देता हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दी। अब इसे अब ऑन करेंगे। ये देखिए वो ओवरलोड का जो येलो एलईडी ग्लो हो रही थी वो बंद हो गई और ये अपना एम्पलीफायर काम करने लगा। और अब इसे चेक कर लेते हैं। हेलो, दिखा देता हूँ आपको। हेलो हेलो, तो इस प्रकार अपने एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो, मोस्टली फॉल्ट इसमें आता है ये। हेलो हेलो हेलो, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।